नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में जानकारी लेंगे, यानी भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है यहां पे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। तो चलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया और उनके क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले चलते हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, यानी पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसको याद करने का ट्रिक है कि वीर सावरकर सर को जो यातनाएं दी गई थी वो काले पानी की सजा दी गई थी, और काले पानी की सजा के नाम से हम कौन सी जेल को जानते हैं, सेलुलर जेल को। और सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। तो इस तरह से याद हो जाएगा कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। उसके पश्चात चलते हैं विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। ये विशाखापट्टनम में स्थित है, और विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल कहलाती है। तो विशाखापट्टनम में तो याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, और विशाखापट्टनम का केवल ये ध्यान रखना है कि अभी जो 17वां साउथ कोस्ट रेलवे जोन खुला है उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये हैदराबाद में स्थित है, और तेलंगाना की राजधानी जो है वो कौन सी है, हैदराबाद। तो हम कैसे याद करेंगे, हैदराबाद आईटी हब कहलाता है और आईटी सिटी कहलाता है बेंगलोर। तो हमने कहा आईटी हब को डेवलपमेंट करने का श्रेय, यानी हमारे देश में आईटी रेवोल्यूशन लाने का श्रेय जाता है राजीव जी गांधी को। तो इस तरह से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, हैदराबाद। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में स्थित है, गुवाहाटी असम में स्थित है। हमने कैसे याद करा, बड़ा इजी तरीका करा कि भैया गोपीनाथ यानी भगवान श्री कृष्ण जो कि काफी लोकप्रिय है वो असम की चाय पीते हैं, और असम की कहाँ की चाय पीते हैं, गुवाहाटी की। तो लोकप्रिय गोपीनाथ कौन सी चाय पीते हैं, गुवाहाटी की, असम की चाय। उसके पश्चात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे हम आईजीआई कहते हैं, ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में स्थित है, और न्यू दिल्ली जो है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी में आता है, दिल्ली में। तो इसको याद करने का तरीका, हमारे देश की पहली महिला पीएम जो थी वो कहाँ बैठती थी, हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। तो आईजीआई कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली। उसके पास जो अगला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको डाबोलीम एयरपोर्ट कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डाबोलीम एयरपोर्ट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहते हैं, और ये डाबोलीम विलेज में है, और ये गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोवा में। तो इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है, देखिएगा डाबोलीम, डाबोलीम। तो हमने इस तरह से याद करा, डाबर, देखिएगा डाबर की नीम की दवाइयां कहाँ मिलती है, गोवा में। तो डाबर की नीम की दवाइयां कहाँ मिलती है, गोवा में। तो डाबोलीम गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहते हैं। उसके पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात, यानी अहमदाबाद गुजरात में स्थित जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। और वैसे भी हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री गुजरात से बिलोंग करते थे, और गुजरात का जो मैनचेस्टर है उसको अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है, और बेंगलुरु जो राजधानी है वह कर्नाटक की है। तो इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है, फॉर्मर एचडी देवगौड़ा वगैरह, देखिएगा ये जितने भी नाम जिसके पीछे घोड़ा घोड़ा करके आते हैं ये सब बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। तो हमने ऐसे याद करा कि भैया जो घोड़ा है वो आईटी सेक्टर का काफी तेज दौड़ता है, कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो इस तरह से याद हो जाएगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर में है, और ये कर्नाटक में आता है मैंगलोर। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि नाम ही मैंगलोर आ रहा है, जैसे विशाखापट्टनम में अपन ने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची में है, और कोची जो है वो कहाँ स्थित है, केरला में। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, कोची, केरला। अगला है कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोझिकोड में है, केरला में। और उसके पश्चात त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी त्रिवेंद्रपुरम जो केरला की राजधानी है वहाँ स्थित है।
तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो तीन बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आ रहे हैं, कोची, कोझिकोड, त्रिवेंद्रपुरम, ये केरला में स्थित है। उसके पश्चात चलते हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में स्थित है। और मुंबई वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, और मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो वैसे ही याद आ जाएगा कि छत्रपति शिवाजी मराठा जो है वो साम्राज्य के शासक थे, और मराठा अधिकतर कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर, नागपुर में स्थित है, और नागपुर जो है वो राजधानी किसकी है? महाराष्ट्र की। यानी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारी नाक है, यानी भारत देश की नाक जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं, जो कि पहले देश के कानून मंत्री थे और जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। जो भारत के संविधान लिख सकते हैं वो भारत, संविधान हमारी देश की क्या है? नाक। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश की क्या है? नाक। अगला है तुलिहाल एयरपोर्ट, जो इम्फाल मणिपुर में स्थित है। तो तुलिहाल एयरपोर्ट इम्फाल मणिपुर में है, तो इसको याद करने का तरीका, माचिस की तुली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तुली के बगैर आग कभी नहीं लगती। तो इम्फाल के अंदर तुलिहाल एयरपोर्ट है, जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है। उसके पश्चात बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है। और वैसे भी याद है कि उड़ीसा के जो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं वो बिजू पटनायक थे, और अभी वर्तमान में जो है वो नवीन जी पटनायक। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर वाला है, जो कि पंजाब में स्थित है। तो वैसे ही ये सिक्कों के गुरु है, और सिक्कों के गुरु के नाम से अमृतसर को जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्वर्ण मंदिर स्थित है, और इसलिए पंजाब जो पांच नदियों का संगम है, जहाँ सर्वाधिक सिख संप्रदाय रहता है, तो सिख संप्रदाय के गुरु गुरुदेव जी जो है वो सबसे आगे थे, गुरुवाणी सबसे पहले होती है। और इस तरह से श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अमृतसर। तो इस तरह से चलते हैं जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, जिसको कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जयपुर में जयपुर आ ही रहा है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तिरुचनापल्ली तमिलनाडु में स्थित है तिरुचनापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये तीन बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके तमिलनाडु में, और तीन ही जो थे वो कहाँ थे? केरल, परंतु केरल में अब चार हो चुके हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये करंट अफेयर्स का अच्छा प्रश्न बनता है। मैं एक बार वापस पिछली स्लाइड पर जाता हूँ, और यहाँ पे देखिएगा, जब केरल आया था तो तीन तो आपको याद है, कोचिन, कैलिकट और तिरुवनंतपुरम, और अब एक नया और बन चुका है यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगली स्लाइड में मैं इसका आंसर अवश्य आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एकमात्र राज्य जिसमें चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो केरला है, और तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला उसके पश्चात तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुचनापल्ली है, जबकि केरला के अंदर कोचीन, कैलिकट और त्रिवेंद्रम है, और चौथा कौन सा है वो आपको खुद को बताना है, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही। उसके पश्चात लखनऊ की राजधानी, यूपी की राजधानी जो लखनऊ है, वहाँ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो याद करने का तरीका बड़ा ईजी है कि भैया चौधरी और चरण, चरण जिसके पकड़ लो आप, भगवान के चरण पकड़ लो तो ये मेरा लक होगा, भगवान के चरण यदि मुझे मिल जाए तो मेरा लक होगा, तो लखनऊ के अंदर चरण आएंगे तो चौधरी चरण सिंह, जो हमारे फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, और जिनके जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, किसान दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला जो एयरपोर्ट है वो है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, और ये वाराणसी में स्थित है, जो यूपी में आता है। और वाराणसी, जिसे हम बनारस कह सकते हैं, जिसे हम काशी कह सकते हैं, वह काशी विश्वनाथ स्थित है। तो काशी विश्वनाथ जो है उस वो बड़े बहादुर है, तो लाल बहादुर शास्त्री। उसके पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बोलते हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से बिलोंग करते थे। तो वैसे याद हो जाएगा, वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, और वहाँ नेताजी कौन आ जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। बिहार, जहाँ पे गया स्थित है, और गया जी जो है वो काफ़ी हॉलिस्टिक प्लेस है, वहाँ पे गया एयरपोर्ट है। तो इस तरह से ये एयरपोर्ट की सिलसिला चलते रहते हैं। और गुजरात, जहाँ पे सूरत है, सूरत को साड़ियों का सिटी के नाम से जानते हैं, या कपड़ा सिटी के नाम से जानते हैं,
और यहाँ पे सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सूरत के बारे में आपको एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सूरत कौन सी नदी किनारे स्थित है। काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया है, तो तीन प्रश्न मैंने आपसे पूछे। मैंने पहला प्रश्न पूछा है कि केरल में चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा खोला गया है। नंबर दो, सूरत कौन सी नदी किनारे स्थित है। और नंबर तीन, किसान दिवस जो कि हम बर्थडे मनाते हैं चौधरी चरण सिंह का, वो कब मनाया जाता है। गुजरात जिसमें बड़ोदरा स्थित है, वहाँ बड़ोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर जिसकी समर कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। वैसे भी उमर अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला, तो उससे याद हो जाएगा शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, श्रीनगर, जो किसकी राजधानी है, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, और कौन सी है, समर। उसके पश्चात चलते हैं केरला के कन्नूर, केरला के कन्नूर, और कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे नया खोला गया है। तो एक प्रश्न का आंसर तो आपको इसी स्लाइड में मिल गया, यानी केरला के कन्नूर जो है वो चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि भारत का केरला प्रथम राज्य है जहाँ पर चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसकी ट्रिक होती है K3T। अब K3T से कैसे याद हो जाता है, देखिएगा, के से बनेगा कन्नूर, के से क्या बनेगा, कन्नूर, और के से बनेगा कोची, और के से बनेगा कोझिकोड, और टी से बनेगा आपका तिरुवनंतपुरम। तो K3T यानी कोची, कोझिकोड, कन्नूर और तिरुवनंतपुरम, और उसके पश्चात तीन जो एयरपोर्ट है वो तमिलनाडु में है। और ये एक प्रश्न तो आपका यहीं सोल्व हो गया, और यदि बातचीत आती है कि आपका किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जयंती के नाम से जिसे हम मनाते हैं, यानी बर्थडे, बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं, वो कब मनाते हैं, उसका हिंट दे सकता हूँ, वो होती है दिसंबर में, वो कब होती है, दिसंबर में। और सूरत कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो ये सूरत ताप्ती नदी किनारे स्थित है। यानी अब आपको केवल दिसंबर वाला किसान दिवस बताना है। अगला चलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में पुणे स्थित है, पुणे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से जानते हैं। झारखंड जिसकी राजधानी रांची है उसको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो आदिवासियों के जो लोक देवता या कुल देवता कह सकते हैं वो बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा जो है वो आदिवासी, और आदिवासी आती है आपको झारखंड, और झारखंड इज इक्वल टू रांची। अगला वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है बागडोगरा, तो बागडोगरा एयरपोर्ट का स्थित है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। इसको याद करने का तरीका कैसे याद होगा, जो सिली, सिली यानी पागल, जो सिली यानी पागल थी एक गुड़िया, और वो कह रही थी भाग डोकरे भाग, बूढ़े को क्या बोलते हैं, डोकरा, तो भाग डोकरे भाग, और वो मूर्ख गुड़िया कह रही थी, यानी सिलीगुड़ी, जो कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी पसंद आए होंगे, और इसी के साथ पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।